इस वीडियो में आप ऐसी कंप्यूटर की ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ाने के लिए सभी ट्रिक्स एक ही वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के कारण स्टोरेज स्पेस या डिस्क स्पेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स, जंक फाइल, वायरस नहीं होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है, पर कुछ दिन बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन में अगर आप कंप्यूटर की यह टिप्स फॉलो करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में बताया कि टेम्परेरी फाइल्स और जंक फाइल्स की वजह से भी कंप्यूटर स्लो हो जाता है, सो इसके लिए आपको टेम्परेरी फाइल्स और जंक फाइल्स को डिलीट करना होगा। सो इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे, विंडो की प्लस आर प्रेस करना और यहाँ आपको टाइप करना है temp, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और इस फोल्डर में जितनी भी फाइल हैं वो सभी डिलीट करनी है। इसके बाद आपको फिर से विंडो की प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ आपको टाइप करना है परसेंट के बीच में temp, एंटर प्रेस करना है और इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं सभी डिलीट करनी है। इसके बाद आपको फिर से विंडो की प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ आपको टाइप करना है prefetch, prefetch, एंटर प्रेस करना है। इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हों सभी डिलीट करनी है, जो डिलीट नहीं हो रही है उनको स्किप कर दें या कैंसिल कर दें। इसके बाद आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, यहाँ आपको टाइप करना है डिस्क क्लीन अप को ओपन करना है, ओके पर क्लिक करना है। आपका पीसी टेम्परेरी फाइल्स को स्कैन करने में कुछ टाइम लेगा। इसके बाद ये विंडो ओपन होगी, सभी फाइल्स को सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है, डिलीट फाइल्स पर क्लिक करना है। ये सभी चार सब टिप्स जो अभी मैंने आपको बताई, इससे आप टेम्परेरी फाइल्स और जंक फाइल को डिलीट कर सकते हैं जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो रहा है और कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे से रन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको उस सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी चेंज करनी होगी। इसके लिए आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। जिस सॉफ्टवेयर की आप प्रायोरिटी बढ़ाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करना है और गो टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। फिर आपको उस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है और सेट प्रायोरिटी पर क्लिक करना है और हाई सेलेक्ट करना है, चेंज प्रायोरिटी पर क्लिक करना है। इसी तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप विंडो मैनेजर की हाई लेवल प्रायोरिटी सिलेक्टेड है, इसको लो करने के लिए नॉर्मल पर क्लिक करेंगे या लो पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पर क्लिक करके चेंज प्रायोरिटी पर क्लिक कर दें। इस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी बढ़ाकर वो सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम है और आप गेम प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो आप USB पेन ड्राइव की मदद से गेम प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ आपको टाइप करना है सर्विसेज प्रोग्राम को ओपन करना है। सर्विसेज विंडो ओपन होने के बाद यहाँ आपको सुपरफेच फाइंड करना है, सुपरफेच सर्विसेज को स्टार्ट करना है और क्लोज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट करनी है और कंप्यूटर को ओपन करना है। पेन ड्राइव डिस्क पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है, रेडी बूस्ट पर क्लिक करना है। मेरे कंप्यूटर की स्पीड ऑलरेडी हाई है तो इसके लिए मेरे कंप्यूटर में इनेबल्ड नहीं हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम है और आप गेम प्ले करना चाहते हो तो आप इस ट्रिक से गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में टाइम लेता है और आप बूटिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन की कुछ सेटिंग सेट करनी होगी। इसके लिए आपको विंडो की प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ आपको टाइप करना है msconfig। इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगी। जनरल में आपको सेलेक्टेड स्टार्टअप पर क्लिक करना है और बूट टैब में आपको नो जियो ये सभी अनसेलेक्ट करने हैं, जो भी अनसेलेक्ट हो उनको अनसेलेक्ट करना है और यहाँ आपको 3 सेकंड का टाइम करना है, टाइम आउट 3 सेकंड करना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज टैब में कोई भी बदलाव नहीं करने हैं। स्टार्टअप टैब में वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर रन हो जाए, इसमें आप वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट डिसेबल कर दें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एनीडेक्स, वंडरशेयर, ओपेरा ब्राउज़र, ठीक है, और अदरवाइज
जैसे कि इंटेल वायरलेस ब्लूटूथ जो कि लैपटॉप का ब्लूटूथ है, इसको डिसेबल नहीं करना है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है, जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर स्टार्ट होते रन होने ज़रूरी है, उनको डिसेबल नहीं करना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इस ट्रिक से आप कंप्यूटर के स्टार्ट होने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं और गेम खेलते हैं तो आपको एक एंटीवायरस की भी ज़रूरत होगी। यह टिप आपके लिए साइबर सिक्योरिटी टिप है, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है या आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एंटीवायरस डाउनलोड करने चाहिए। जब आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम ट्रे में एक फ्लैग दिखाई देता है। उस फ्लैग पर क्लिक करने पर आपको फाइंड एंटीवायरस का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो है और आप गेम प्ले करना चाहते हैं और गेम नहीं खेल पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको वर्चुअल मेमोरी की स्पीड बढ़ानी होगी। वर्चुअल मेमोरी की स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स फाइंड करना है। इसके लिए आपको लार्ज आइकन सेट करना होगा। व्यू बाय लार्ज आइकन, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद एडजस्ट विजुअल इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस्ड टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद चेंज पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली को अनसेलेक्ट करना है, यानी कि अनचेक करना है। यहाँ आपको कोई भी हार्ड डिस्क की ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, जैसे डी एफ जी एच, जो भी हार्ड डिस्क की ड्राइव है उसको सेलेक्ट करना होगा और कस्टमाइज साइज पर क्लिक करना है। इसके बाद इनिशियल साइज में कंप्यूटर की दुगनी रैम सेट करनी होगी। जैसे कि आपके कंप्यूटर में 4GB रैम है तो आपको 8GB फिल करना होगा। मैक्सिमम साइज में इनिशियल साइज का 1000MB प्लस करना है। उसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे आप इजीली गेम प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पैनल के परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टूल्स के ऑप्शन यूज करके आप कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।